तो यहाँ पे हम लोगों को मज़ेदार सा रसमलाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली, शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं मीठे में बनाने जा रही हूँ आप लोगों की हैप्पी दिवाली के लिए। मैं बनाने जा रही हूँ रसमलाई। हाफ लीटर मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है और सब्ज़ इलायची मैंने ले ली। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे घी ले लिया, 1 अंडा ले लिया है। तो मैं बनाने जा रही हूँ रसमलाई रेसिपी। तो 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे इसमें घी शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दूध तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दूध लूंगी। दूध को मैं बॉईल करूंगी और उसमें सब्ज़ इलायची शामिल करती हूँ। 1/2 लीटर मेरे पास दूध है और उसमें मैं शामिल करती हूँ सब्ज़ इलायची। जब तक कि हमारे दूध में बॉयल आता है, हम लोग उसकी तैयारी करते हैं। शक्कर अपने हिसाब से आप जितना मीठा खाते हैं उतने ले लीजिएगा। हम जितना मीठा खाते हैं हम अपने हिसाब से लेंगे। यहाँ पे मैं अंडे को अच्छी तरह से बीट लूँगी और उसको फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी मिक्सचर में। इससे हम लोग गोल गोल गोलियाँ बनाएंगे। घी 1 टेबल स्पून मैंने शामिल कर दिया है। अंडे को मैं देखती हूँ मुझे कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो घी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो घी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसमें हम शामिल कर देंगे 1 अंडा। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून और इसमें घी शामिल कर दिया। उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से डो बना लेंगे। यहाँ पे हम लोगों का जो डो था वो तैयार हो चुका है और हमने अपने हैंड को वॉश कर लिए हैं। और जो घी हमारे पास थोड़ा सा बचा हुआ था उनको हम अपने हाथों पे लगा लेंगे और इससे हम लोग छोटे छोटे बॉल बना लेंगे ताकि ये बॉल क्रैक ना हो। इस तरह से हम सारे बॉल बना लेंगे। तो इस तरह से हम लोग सारे बॉल बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों के जो सारे बॉल थे वो रेडी हो चुके हैं। क्रैक आने से पहले हम लोग इनको दूध में शामिल करते हैं। दूध में अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है, तो आए दूध की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे दूध में बॉयल आ चुका है और हमने थोड़ी देर दूध को अच्छी तरह से पकने दिया है और बॉल भी सारे रेडी हो चुके हैं। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसमें बॉल हम लोग छोड़ देंगे और ये बॉल खुद ही खुद ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। तब तक हम इनको चम्मच नहीं लगाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाएंगे। तो ये अभी खुद ही ऊपर आना शुरू हो जाएंगे।
मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली, शुभ शुभ कामनाएं। तो ये खुद ही ऊपर आना शुरू हो गए, रसमलाई हमारी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो थोड़ी देर हम उनको और पकने देंगे। आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी है, जल्दी पकने वाली है। तो यहाँ पे हम लोगों की जो रसमलाई थी वो फूल चुकी है और ऊपर भी आ चुकी है। अभी मैं इसको डिश आउट करूंगी। तो फ्लेम को हम लोगों ने बंद कर दिया है, तो इसको मैं डिश आउट करूंगी। तो यहाँ पे हम लोगों को मज़ेदार सा रसमलाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो हमारी रसमलाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली मुबारक हो।